हापुड़ में सीएनजी बस में गैस लीक होने से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ तराहा पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सीएनजी बस में अचानक से गैस लीक होने लगी और बस में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। बता दें कि बुलंदशहर से मेरठ की ओर चलने वाली प्राइवेट बस जब मेरठ तिराहा पहुंची तो सीएनजी गैस सिलेंडर में गैस लीक होने लगी और इसकी सूचना जैसे ही यात्रियों को लगी तो उनमें भगदड़ मच गई और बस से सवारियां उतरने लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है भैया। अमित जी, क्या हुआ था अभी बस में? वहाँ पे सिलेंडर लीक हुआ था जी। अच्छा, तुरंत कम से कम 10-12 हमारे पुलिसकर्मी भैया आए, उन्होंने सवारी तारी, हमने खुद उतरवाई। मैं आपके साथ हूँ अब तक, बस भेजने के बाद तक भी कोई हादसा तो नहीं हुआ ना? हादसा कोई नहीं, गैस लीक हो रही थी। हाँ, गैस लीक हो रही। इस मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और सिलेंडर में से गैस लीक होते ही लोगों की सांसें भी अटकी रही। क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। रिजवान, क्या हुआ गाड़ी में तुम्हारी? सिलेंडर लीक हो गया था। सीएनजी था ये? सीएनजी। प्राइवेट बस है ये? प्राइवेट बस है, मेरठ बुलंदशहर की। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये? बुलंदशहर से आ रही थी, मेरठ जा रही थी। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है, सिलेंडर खाली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गैस लीक हो गई सारी? हाँ, पूरा सिलेंडर खाली हो गया। हादसा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं नहीं, हादसा कोई नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, जब ही आ गई थी तुरंत 5 मिनट बाद। हालांकि इस मामले में कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन गैस लीक होते समय आसपास के लोगों की सांसें जरूर अटक गई। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।